हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 थिंग्स नॉट टू डू विद योर कार, मतलब ऐसी 10 चीजें जो कि आपको अपनी गाड़ी के साथ नहीं करनी चाहिए, मतलब आदत नहीं बनानी चाहिए। वैसे कभी कभी इमरजेंसी वगैरह में तो चलता है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, नीचे जाके बेल आइकन को भी ऑल पे लगा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई पॉइंट छूट गया हो। ठीक है, तो करते हैं वीडियो। भाई सबसे पहला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 1, नेवर स्टार्ट योर कार विद ऑन एसी या फिर हेडलाइट्स। ठीक है ना, देखो काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, अपनी कार को जब सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो भाई उनका एसी वेसी सब ऑन रहता है, हेडलाइट वगैरह, जैसे रात को आके खड़ी करते हैं ना एसी वगैरह ऑन रहता है तो ऑफ नहीं करते हैं। फिर जब उसे नेक्स्ट टाइम ऑन करते हैं कार को तो सारी चीज ऑटोमेटिक ऑन ही रहती है स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ये भाई आपकी कार की बैटरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि यार देखो हमें इतनी सारी लाइट्स वगैरह चलती है, एक तो उसका सारा लोड हो गया, एक फिर एकदम भाई एसी चलता है उसका एकदम लोड होता है। तो अगर आपको अपनी कार लंबे समय तक रखनी है, ज्यादा टाइम तक रखनी है, तो ये चीज थोड़ा सा इफेक्ट करती है आपकी कार को। मानता हूं भाई ट्रैफिक कंडीशंस में एक दो बार ऐसा चलता है, बट हैबिट नहीं बननी चाहिए, हैबिचुअल नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है अपना नेवर स्टार्ट योर कार। तो भाई सेकंड पॉइंट है अपना नेवर ड्राइव योर कार विद 1 या 2 पॉइंट्स लेफ्ट इन योर फ्यूल टैंक। तो मतलब कम फ्यूल में आपको अपनी कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल खत्म होने वाला है या फिर आपकी रिजर्व वाली लाइट ऑन हो गई है और फिर भी आप भाई ड्राइव करे जा रहे हो और काफी लंबे समय तक आप ऐसे ही करते हो कि थोड़ा बहुत डलवा लिया उसके बाद चला रहे हो, तो भाई आपके फ्यूल पंप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, फ्यूल पंप आपका खराब हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक टेम्परेचर उसे मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है जब वो डूबा रहता है उसमें पेट्रोल में। ठीक है ना, और फिर मतलब वो थोड़ा सा डूबा रहेगा, ऊपर का खाली होगा तो खराब हो सकता है। जैसे आपने एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, जब वाटर कूलर होता था हमारे घरों में उस टाइम पे कहते थे ना कि सूखा मत चलाना पंप को, नहीं तो पंप खराब हो जाएगा। तो वही वाला इसका भी हिसाब किताब होता है भाई। इमरजेंसी में मानता हूँ कभी कभी हो जाता है, बट इसे हैबिट मत बनाओ कि भाई ऐसी आप चला रहे हो। कभी अपना नेवर पिक योर कार ऑन हायर गियर्स। काफी सारे लोगों को भाई मैंने देखा है कि वो ना जैसे भाई स्पीड ब्रेकर आया है 4th गियर पे चल रहे हैं और उसके बाद ना मतलब थोड़ी स्पीड स्लो डाउन हुई 30 के आसपास आ गई, 30-25, फिर भाई दोबारा पिकअप उसे 4th गियर में कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है। देखो गाड़ी उठ तो जाएगी, अब उठने को तो भाई गाड़ी उठ जाती है, बड़ी गाड़ी उठ जाती है, लेकिन भाई वो चीज ना आपकी गियर पे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट डालती है, मतलब आपके जो गियर होता है ना वो घिस जाता है पूरी तरीके से। तो अगर सेकंड गियर की नीड है तो भाई सेकंड गियर पे ही उठाओ। ठीक है ना, ट्रैफिक में ऐसा नहीं है, फर्स्ट गियर की नीड है फर्स्ट गियर से उठाओ, ऐसा मत करो आलस में कि भाई 4th गियर लग रहा है तो लगा रहने दो, उसी में उठा रहे हो भाई, गाड़ी मतलब हल्का हल्का जर्क मार रही है तो वाली चीज। पॉइंट है अपना डोंट गेट योर इंजन बे वॉश्ड एट लोकल शॉप। मतलब ये कि कहीं भी अगर आपके भाई लोकल शॉप है 100-200 रुपए में जो गाड़ी देते हैं उन पे भाई अपने इंजन में बिल्कुल भी साफ मत करवाना, क्योंकि वो भाई कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ भाई बोनट खोलेंगे आपका हुड और प्रेशर मार देंगे पानी का, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल में कोई फॉल्ट हो या फिर इंजन में कोई फॉल्ट आ जाए तो भाई वो किसी भी चीज की गारंटी नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल भाई मेरे साथ खुद हो चुका है, मैंने ना मतलब क्लीन करवाया था फर्स्ट टाइम इंजन पे, जैसे सर्विस के बाद मैंने वीडियो बनाई थी पूरी, तो भाई मेरे आईपीएच का जो प्रोजेक्टर था ना वो खराब हो गया था, उसका ब्लास्टर जो एचआईडी लगी हुई थी उसके अंदर, तो भाई एक वो वाला खर्चा मेरे को पड़ गया जबरदस्ती का, क्योंकि भाई उसमें पानी जाके वो खराब हो गया था बिल्कुल। तो ट्राई करो हमेशा कि आप सर्विस सेंटर से वॉश करो, कम से कम उसकी गारंटी तो रहती है ना, कोई पार्ट वार्ट खराब हो जाए तो वो चेंज करके देते हैं और उन्हें पता रहता है भाई, एक्सपर्ट होते हैं कि कहाँ से वॉश करना है कहाँ से नहीं। जो बाहर लोकल शॉप्स वाले होते हैं कहीं इलेक्ट्रिकल पार्ट हो या कहीं मतलब धो देते हैं भाई फुल प्रेशर। पॉइंट है अपना भाई डोंट गेट अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग कैजुअली। इसे भाई बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बैलेंसिंग होनी चाहिए भाई साल में कम से कम एक बार, और भाई व्हील अलाइनमेंट आप 2 बार भी साल में करा सकते हो 6-6 महीने के पास। और हाँ, ये रनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे रनिंग आपकी बहुत ज्यादा है ना तो मेरे ख्याल से 250-300 रुपए में हो जाता है अलाइनमेंट, तो आप मतलब हर 3-4 फिर महीने में करवा ही लिया करो, मैं भी करवाता हूँ। ये चीज ना भाई आपके टायर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है और सस्पेंशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, टायर ना एक साइड से गंजा होना स्टार्ट हो जाता है तो ये मोटा खर्चा ला सकता है आपका बाद में। ठीक है ना, जैसे ऐसा होता है भाई जैसे आपने 4 नए टायर डलवाए और विदाउट व्हील बैलेंसिंग आप ये सब कर रहे हो तो आगे के 2 टायर घिस जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर उसका एक एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है और सस्पेंशन पे भी बहुत ज्यादा जोर पड़ता है भाई। तो हमेशा गाड़ी स्टेबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो स्टेबल चलती है गाड़ी इस चीज के ऊपर ना कभी लालच मत करा करो कि यार ये नहीं करवा रहा। ठीक पॉइंट है भाई, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि हाफ क्लच पे गाड़ी चलाते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, जब भी आप गाड़ी चलाओ ना तो गियर लगाने के बाद जब गाड़ी को चलने लगे ना तो भाई क्लच से बिल्कुल पैर हटा लिया करो, ऐसा मत करा करो कि भाई क्लच पे हल्का सा दबा के रखा हुआ है। मैं मानता हूँ पूरा नहीं दबा रहता बट यार वो ना क्लच को घिस देता है, क्लच प्लेट आपकी बिल्कुल खराब हो जाती है, फूक जाती है, तो बिल्कुल यार क्लच से पैर हटा लिया करो और जब आप गियर वगैरह शिफ्ट करो तो प्रॉपर उसे नीचे को दबा के पेडल को उसके बाद शिफ्ट करा करो, तो ये बहुत ही अच्छी लाइफ बनी रहेगी। 8th पॉइंट है अपना भाई डोंट यूज ड्राई वाइपर्स। ठीक है, ड्राई वाइपर मतलब क्या भाई, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जैसे आए गाड़ी में बैठे और अपना वाइपर चलाना शुरू कर दिया, अब पानी से भी भाई अगर आप चलाओगे ना तो आधा तो मतलब वो ऐसी कवर करेगा जो स्टार्टिंग का फर्स्ट होगा ना, तो फर्स्ट तो वो आधा भाई ड्राई करेगा, उसके बाद पानी गिरना स्टार्ट होता है और फिर उस पर बहुत ज्यादा स्क्रेचेस होते हैं।
भाई बहुत ज्यादा डस्ट लगी होती है आपके जो वाइपर वगैरह है ना उनपे, थोड़े बहुत सीमेंट वगैरह और ये काफी सारी पार्टिकल्स होते हैं जो चिपके रहते हैं डस्ट वगैरह के, और जब तक ऊपर आता है भाई वो सारे ना मतलब स्क्रैच डाल देते हैं बहुत ही गंदी तरीके से। तो हमेशा ट्राई करा करो भाई, अगर आप घर पे हो या फिर अगर आप पॉसिबल हो तो पहले भाई शीशे पे पानी वगैरह डाला करो, उसके बाद वाइपर साफ करा करो। पॉइंट है अपना, डोंट इग्नोर एनी काइंड ऑफ नॉइज फ्रॉम योर कार, मतलब गाड़ी से भाई किसी भी तरीके की नॉइस आ रही हो ना तो उसे इग्नोर मत करा करो, आपके टायर से आ रही हो, सस्पेंशन से आ रही हो या फिर कहीं पीछे से कहीं से आ रही हो तो उसे मतलब, एक वो होता है ना कि भाई दिया बुझने से पहले फड़फड़ आता है, तो ये वो वाला एहसास हो जाता है भाई कि मतलब गाड़ी ना आवाज करती है, आपको एक पॉइंट दे देती है कि यार कुछ दिक्कत आने वाली है, फिर कुछ दिक्कत हो गई है तो उसे बिल्कुल इग्नोर मत करा करो कि यार आलस में आप चलाए जा रहे हो कि ठीक है भाई देख लेंगे, तो देखने के चक्कर में भाई फिर वो खर्चा होने वाला है भाई। डोंट गिव योर कार टू एनीवन एल्स अगर पॉसिबल हो, देखो यार मैं मानता हूं रिश्तेदारी वगैरह में देनी पड़ जाती है गाड़ी, फ्रेंड सर्कल में देनी पड़ जाती है, बट ट्राई करा करो कि आपको गाड़ी ना देनी पड़े, क्योंकि भाई वो आपकी गाड़ी उस हिसाब से नहीं चलाएंगे जिस हिसाब से आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हो, समझ रहे हो ना बात को, जितनी केयर से आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हो वो लोग नहीं चलेंगे भाई, वो मतलब यही समझेंगे ठीक है दूसरों की गाड़ी है। तो मतलब जहां तक हो सके सिंगल हैंड ड्राइव होनी चाहिए गाड़ी जहां तक हो सके, तो लाइफ भी बनी रहती है, बट अगर आप ऐसे कर रहे हो भाई रोज जा रही है कहीं गाड़ी किसी कभी किसी है तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। तो ठीक है भाई यही कुछ आज कुछ की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो करना भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी करते ना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा आप लोग सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोबारा से बता रहा हूँ, और कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई पॉइंट रह गया हो। तो अगर इस वीडियो में बाय।